काटने का कोई खास तरीका होता है? डिफरेंट डिश के लिए डिफरेंट तरीका होता है? चॉप नहीं, मतलब जो स्लाइस हम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ इस तरह, जी हाँ, मुख्तलिफ स्लाइसेस हैं, कहीं हमें लंबाई में काट रहे होते हैं, काटना है, ठीक है ना, ये सिर्फ कहते हैं कि लंबाई में काटते हैं तो गलती ज्यादा जल्दी है, ये तो नॉर्मल, वो क्योंकि पतली कट जाती है, ठीक है ना, कुछ ऐसे भी लोग काटते हैं जी, अब वो तो आपके ऊपर है कि हाउ फाइन आप कटिंग कर रहे हैं। किसी रेसिपी में है कि आपको फाइन कटिंग नहीं चाहिए, आपको रफली प्याज कटा हुआ, बट ऐसे काटे या ऐसे काटे कोई डजंट मैटर, आपको फाइन काटना है, मैं आपको इसमें भी फाइन काट के दिखा सकता हूँ, और उस तरह भी फाइन स्लाइस मींस स्लाइस, बिल्कुल। अच्छा, ये जो प्याज दो प्याज सॉरी मुर्ग दो प्याजे में हमने बिल्कुल फाइन भी नहीं काटना है, क्योंकि हमें प्याज नजर आना चाहिए, इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ मोटा है तो कुछ पतला है, इस तरह इसकी कटिंग होती है, ठीक है, राइट। ये तेल भी गरम हो गया है एंड इसमें हम ये प्याज डाल रहे हैं, ठीक है। जब तक हम अपनी कॉलर से भी बात कर लेते हैं, दुबई से कॉलर है जबीन, अस्सलाम वालेकुम जबीन, हेलो जबीन, हेलो जबीन, ट्राई कीजिए शायद आपकी आवाज पसंद आ जाए, अच्छी लग जाए, नहीं आपकी आवाज ज्यादा अच्छी है, नहीं जबीन शायद ड्रॉप हो गई है या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, जबीन की कॉल ड्रॉप हो गई है, नहीं आप दोबारा कॉल कर लीजिए, किसी और की कॉल ले लेते हैं, अच्छा इसको आप करें, मैं थोड़े से एसएमएस जिन्होंने हमें किया है मैं उनके नाम थोड़े से शामिल करना चाहूंगी। अच्छा नाज़रीन, इसको हमने जो सौते करना है वो ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं करना है, मीडियम फ्लेम में, आप देखें मैंने इसको मीडियम फ्लेम में रखा हुआ है ताकि कच्ची पक्की प्याज रहे, ठीक है। तानिया चले कॉलर हमारे साथ है, मिसेज रजा कराची से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाए कैसे मिजाज है? जी अल्लाह का शुक्र है, आपकी कंपेयरिंग और शेफ मुनव्वर की कुकिंग दोनों बहुत जबरदस्त होती हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा मुझे सवाल का जवाब देना है, जी बताए जी, घी के, वैसे तो घी के चराग सुना है लेकिन आपने आज दिए जला दिए, घी के चराग जलाना, घी के दिए जलाना आज आपने चले सुन लिया और उम्मीद के भी जलते हैं अक्सर, उम्मीद के दिए जलाना, मैंने जला दिया है, फिर जला दिया आपने जनाब, दिमाग की बत्ती क्या जलाई आपने के सारे दिए जला दिए आपने, थैंक यू। वैसे आपका लहजा बहुत बहुत जबरदस्त है, बहुत मैं बहुत कम देखती हूँ लेकिन अच्छा लगता है आपको सुनना, मोस्ट प्रॉब्ली आप शायद पहली दफा कॉल कर रही हैं हमारे शो में, जी बिल्कुल, क्या जीतेंगी बताएं? देखिए फ्रैंकली मैगजीन तो मिल ही जाता है, मिल जाता है आसानी से, हाँ मॉडेस्ट हाँ, उसके लिए जोड़ों के लिए और ये जो सैंपल्स हैं इसके लिए एसएमएस जरूर कीजिएगा, ओके अच्छा, मैं चाह रही थी कि आपको मैगजीन दे दूं, दे दूं आपको, अच्छा चले जी लाइन ड्रॉप हो गई, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा किरण, यहाँ पे नाज़रीन आप देख रहे हैं कि प्याज जो है वो इस वक्त इसको हमने ब्राउन नहीं करना है, कच्ची पक्की जैसे होती है वाइट प्याज सॉफ्ट हो जाए एंड थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी की तरफ आ जाए, तो ये ऑलमोस्ट उस पोजीशन पे आ गई है, ठीक है इस कंडीशन में। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालने जा रहे हैं, एक से दो टीस्पून हमने डाल दिया है, ठीक है, और अब हम इसको इसमें सौते कर रहे हैं, इसकी भुनाई कर रहे हैं। अगर आप कोई कॉल लेने चाह रही हैं, नहीं मैं चाह रही हूँ कि अगर तस्वीरें क्यू पर हैं तो हम दिखा दें जो हमारे नाज़रीन ने भेजी हैं खानों की तस्वीरें, अच्छा ठीक है, जब तक मैं आप लोगों के एसएमएस शामिल करती हूँ। तानिया मकबूल कराची से, घी के दिए जलाना प्लीज़, मुझे लॉन का सूट दे दें प्लीज़, घी के दिए जलाना, महरीन फ्रॉम सियालकोट, इरम फैसल ने कराची से, नौरीन ने सखर से, और किसने हमें भेजा है, फरी ने कराची से, हिना रिजवान ने गुजरात से, इरम फैसल ने कराची से, बुशरा उमर उमर ने कराची से, आप तमाम लोगों के एसएमएस मिल रहे हैं, मैं अभी रिफ़्रेश नहीं किए हैं, और कल का शो अगर आप लोगों से मिस हो गया हो तो वो आज रात हमारा ये शो रिपीट होगा 10:30 बजे, उसे ज़रूर देखिएगा, बड़ी मज़े की कल वो बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बनी थी, हमने तो बाद में खाई, अच्छा। और वो चिकन तंदूरी वेरी नाइस, बहुत मज़ा आया था, थैंक यू, यहीं से ही मैं तो लंच करके चली गई थी, फिर घर जाकर बना, अच्छा। अच्छा अब इसमें अदरक लहसुन को भी हमने ऑलमोस्ट भून लिया है, अब हम इसके अंदर जो है ऐड करने जा रहे हैं थोड़ा सा गरम मसाला,
अबाउट एक से दो बड़ी इलायची हो जाए, दालचीनी एक से दो पीस हो जाए, लौंग दो तीन इज इनफ, ठीक है? ठीक है। और होल ब्लैक पेपर तकरीबन 5-10 पीस, ज़ीरा जस्ट आप चाहें एक हाफ इस पर टी स्पून डाल सकते हैं। ठीक है। बेली अच्छा ये पूरा साबित करो मसाला है जी। और अब हम इसमें धनिया एक मिनट सॉरी मुझे मुर्गी इसमें सौते करना है उसके बाद हम ठीक है ठीक है जब तक हम कॉलर से भी बात कर लेते हैं। नायला है, अस्सलाम वालेकुम। हे किरण। हेलो, क्या हाल है? ठीक ठाक। आदाब आदाब। कैसी हैं जी? कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। बस ठीक ठाक। अच्छा आपने एक क्वेश्चन पूछा ना, दिए जलाना है, घी के दिए जलाना, घी के दिए। अच्छा बात सुने किरण जी, जी सुना। हम कॉलर को क्यों नहीं गिफ्ट देते? कॉलर्स को क्यों नहीं देते? क्योंकि हमें इतने सारे एसएमएस बेचारे लोग करते हैं, फिर उनको क्या देंगे हम? नहीं मुझे तो मैगजीन ना भिजवाएं, अगर आपने गिफ्ट देना तो दूसरी तीन चीजों में से कोई। मैगजीन तो मैं आपको दे देती हूँ, अभी लेना चाहेंगी? नहीं नहीं मैगजीन नहीं मुझे चाहिए। चाहिए? नहीं चाहिए। अच्छा तो फिर आप एसएमएस कीजिए ना। नहीं मुझे आप, मैं कर नहीं सकती कुछ ऐसा। बचाएं मुझे, बचाएं। नहीं नहीं मेरा कोई प्रॉब्लम ऐसा ना, मैं कर नहीं सकती। क्यों, कहाँ से आप कर रहे हैं? कराची से ही कर रही हूँ। मसला नहीं होना चाहिए, कराची से कर रही हैं तो। नहीं मैं कर नहीं सकती ना, आपको बता नहीं सकती फिर कभी से। अच्छा चले, कोशिश कीजिए किसी और के मोबाइल से कर लीजिएगा। और मैं इसके अलावा मैं आप लोगों को बताती चलूँ, कराची वाले जो हैं वो जा सकते हैं अगर जोनास की सैंडल्स और बैग्स लेना चाहते हैं। जमजमा में 6 कमर्शियल लेन में इनकी दुकान है, इनकी आउटलेट है, जाइए विजिट कीजिए। इसके अलावा डॉलमन मॉल में भी है इनकी दुकानें, यहाँ हैदरी डॉलमन मॉल और तारिक रोड की डॉलमन मॉल में। और इसके अलावा आनम क्लासिक लॉन अवेलेबल है बाय अल जुहैब टेक्सटाइल वालों की, ये लॉन है, आप लोग वो जोड़े ले सकते हैं, हर जगह अवेलेबल है। जो नहीं जीते हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ। मसाले तैयार हैं डालने के लिए। अब हम इसमें नाज़रीन हल्दी अबाउट 1/4 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1-2 आप डाल सकते हैं, ठीक है? ठीक है, मैंने 1 डाल दिया। धनिया पाउडर 1 जी, गरम मसाला जस्ट अ लिटल, पहले आप पिंच, ब्लैक पेपर 1/4, ठीक है। तमाम मसाले हमने डाल दिए, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक लाइवली सी ब्रेक। आज अर्ज नहीं करेंगे, आज घंटी नहीं है, लेकिन फिर भी हम यही चाहेंगे कि आप इंतज़ार का मज़ा चखिए, हम अभी आते हैं। दो प्याज़ा, अज्जा बोनलेस चिकन 1/2 किलो, नमक, काली मिर्च हसब ज़रूरत, लहसुन अदरक पेस्ट 2 खाने के चमचे, प्याज 3, टमाटर 3, हरी मिर्च 3, हरा धनिया आधी गड्डी, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। मूर्ख दो प्याजा, अज्जा बोनलेस चिकन 1/2 किलो, नमक, काली मिर्च हसब जरूरत, लहसुन अदरक पेस्ट 2 खाने के चमचे, प्याज 3, टमाटर 3, हरी मिर्च 3, हरा धनिया आधी गड्डी, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, लौंग 3, साबुत काली मिर्च 10, बड़ी इलायची 2, तुलसी के पत्ते 1, तेल 1/2 कप। घंटी बजाकर हम गए तो नहीं थे, लेकिन घंटी आ गई और इंतज़ार का मज़ा तो आपने चखा ही होगा। आप लोग हमें एसएमएस कर सकते हैं 888-1 पर, मसाला LW स्पेस अपना नाम और जवाब, डैश के दिए जलाना। जवाब अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा क्योंकि दिमाग की बत्ती जल चुकी है। जोनास की तरफ से सैंडल्स आप जीत सकते हैं, आनंद क्लासिक लॉन वालों की तरफ से एक खूबसूरत लॉन का जोड़ा जीत सकते हैं, या मसाला टीवी फूड मैगजीन। किस्मत आपकी है, कुछ पता नहीं कब किस्मत खुल जाए और क्या कुछ आप जीत जाएं। सिर्फ एक एसएमएस के फासले पे ये तमाम इनामात आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और हम बना रहे हैं बेसन के लड्डू, और ये हमने बनाई है मुर्गी जो चढ़ाई है, मुर्ग दो प्याज़ा। अच्छा, इस पूरे अरसे में जो मुर्ग दो प्याज़ा पक रहा है वो बिल्कुल लाइट फ्लेम में पक रहा है, हमें फास्ट फ्लेम में नहीं पकाना है। अच्छा, अब ये सारा कुछ हो गया, अब लास्ट में मैं इसमें एक
टमाटो बड़ा सा क्यूब काट के डाल दिया मैंने, और छोटी हरी मिर्च जो आती है तकरीबन 4 अदद, 3 से 4 अदद इसमें हमने डाल दिया है। और अब हम इसको इस चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छा, ताकि हम दूसरी अपने रेसिपी पे आ जाएं। ठीक है, इसका एक दफ़ा रिकैप कर दें अगर किसी ने हमें अभी ज्वाइन इन किया है। जी जी। तो इसमें क्या क्या हमने मसाले डाले थे वो आप नोट कर लीजिएगा। कर देता हूँ। अच्छा, इसमें मैंने तकरीबन 4 अदद प्याज, विच इज़ अराउंड 300-350 ग्राम या 400 का लगा लें आप, स्लाइस काटा, ज़्यादा फाइन स्लाइस भी नहीं, और तकरीबन 1/2 कप ऑफ ऑयल, और इसमें हमने 1 kg चिकन लिया हमने। अच्छा, ऑयल हमने डाला, उसको थोड़ा गर्म होने पे हमने प्याज डाल दिया, मगर जो हमने फ्लेम रखना है वो धीमे रखना है, ज़्यादा हीट नहीं रखना है, मीडियम हीट पे, और उसको उसमें सौते करना है इतना कि वो ट्रांसपेरेंसी पे आ जाए, और देन उसके अंदर हमने 2 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, अदरक लहसुन का, और उसको थोड़ी देर सौते किया। जब वो मसाला थोड़ा सा पक गया, देन उसके अंदर हमने चिकन ऐड किया, चिकन को थोड़ी सी भुनाई की, एंड देन हमने उसके अंदर गरम मसाले डाले खड़े, जिसमें बड़ी इलायची 1 से 2, दालचीनी 1 से 2, 2-3 दाने लौंग के, और उसके बाद काली मिर्च 5 से 10, ज़ीरा अबाउट 1/2 टीस्पून डाला हमने, और देन इसको हमने सौते किया। उसके बाद हमने ऐड किया इसमें हल्दी पाउडर अबाउट 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, पिंच ऑफ थोड़ा सा अबाउट 1/4 गरम मसाला पाउडर दिया उसके अंदर, सॉल्ट हसबे जायका हिसाब से आप डाल लें, और फिर इसके अंदर हमने इसकी भुनाई की टमाटर, हाँ, देन जब ये अच्छी तरीके से पक गया, और स्लो आँच में हमने इसको पकाना है, गोश्त भी पक गया, फिर थोड़ा सा जब हमने इसकी भुनाई की, फिर थोड़ा सा अबाउट 1/2 कप ऑफ वाटर ऐड किया, ताकि थोड़ा सा प्याज और मसाला जो है वो एक मसाला बन जाए इसके अंदर। ठीक है, साहब कुकिंग से मुश्किल तो रिकैप देना होता है, नहीं जी हाँ, याद रखना याद रखना। एंड आखिर अभी हमने इसके अंदर 1 टमाटो क्यूब काट के डाल दिया, और 3 से 4 छोटी हरी मिर्च, अगर आप बड़ी चाहते हैं बड़ी इस्तेमाल कर लें। अब मैं इसको इस पर रख दिया है मैंने, अब मैं इसको ढक रहा हूँ। ठीक है, और हम अपने कॉलर से बात करते हैं, दुबई से माजबीन है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई। एनीवेज, आप दोबारा ट्राई कीजिए या एसएमएस कीजिए डैश के दिए जलाना। आप लोगों के एसएमएस आ रहे हैं, ढेर सारे एसएमएस आ रहे हैं भाई जनाब। नवर साहब, हम अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हाँ, हम अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ आज बड़ी जल्दी काम क्योंकि इसमें जो ज़रा ज़्यादा टाइम लगेगा वो लड्डू पे लग रहा है। अच्छा, बाकी ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो है वो आपने हॉट जितना देखा आपने कि प्रोसेस था हो गया, एंड इसमें इतना ज़्यादा हमें टाइम नहीं चाहिए पकने के लिए। अब हम बनाने जा रहे हैं चिकन दिल रुबा, मुर्ग दिल रुबा। अच्छा, ये अमीना का मैसेज है, शी लाइक्स टुडेज रेसिपी स्पेशली बेसन के लड्डू, प्लीज़ रीड माई मैसेज। और